बनता है। तो बच्चों इस शेप पर जितने भी पार्टिकल होंगे सब एक साथ ऊपर जा रहे होंगे और एक साथ नीचे जा रहे होंगे। फील करने की बात है, देखो बेटा पत्थर फेंकते तो पार्टिकल ऊपर नीचे करता है, ठीक है ना, पानी का कण। तो इस पे जितने भी पार्टिकल होंगे सब एक साथ ऊपर और एक साथ नीचे आ जा रहे होंगे। वैसे यहां भी देखो तो इन सब का कलेक्शन एक सरफेस बना रहा है ना, उस सरफेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेव फ्रंट, ठीक है ना। अभी ये 2D में है, 3D में चारों तरफ बनता है। अगर अंदर पानी के अंदर कोई डिस्टरबेंस करे तो हर तरफ डिस्टरबेंस फैलेगा। तो अब इसको 3D में सोचो, स्फीयर बन जाएगा। तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे जो एक साथ ऊपर नीचे कर रहे हो, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे होंगे, उनको हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। उनको हम वेव फ्रंट कहते हैं, समझ में आ रहा है ना। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रे क्या होता है बच्चों, लिखो रे। हाँ एडिंग रे, हाँ नहीं है न्यूमेरिकल, लेकिन पहले कुछ कुछ थियरी तो रहेगी। रे लिखो, चलो रे लिखो। इट इज द लाइन इमर्जिंग फ्रॉम सोर्स, इट इज द लाइन इमर्जिंग फ्रॉम सोर्स, इट इज द लाइन इमर्जिंग फ्रॉम सोर्स एंड परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। इट इज अ लाइन इमर्जिंग फ्रॉम सोर्स, परपेंडिकुलर टू द सोर्स, परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। हाँ परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। देखो बच्चों जैसे अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, अभी आप रे को इन्होंने क्या कहा था पहले ये समझ लो। जैसे मान लो इन्होंने कहा था कि ये कोई लाइट का सोर्स है, तो रे का डेफिनेशन उन्होंने क्या क्या कहा, क्या कहा था कि रे वो लाइन है जो इस सोर्स से निकले और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हो, और वेव फ्रंट के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ऐसी लाइन जो सोर्स से निकले और वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर हो, उसे क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, ठीक है ना। उनका ये कहना था, ठीक है ना। तो इसको बना लेना थोड़ा सा कि रे क्या होता है, तो विच इज इमर्जिंग फ्रॉम द सोर्स, ये सोर्स है और परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट होता है, उसे हम कहते हैं, ठीक है। बना लो इसको छोटा सा बना लो बच्चों। हम लोग अभी वेव थियरी पढ़ रहे हैं, हाँ बेटा। बस रे क्या होता, लिख ले बच्चों। ओके सुनो बच्चों, ये न्यूटन के खिलाफ थे। जैसे वेव ऑप्टिक्स की शुरुआत कहां से, तो मैंने बताया था, जब थोड़ा सा इंट्रो जब दिया था कि जैसे मैं बोल रहा हूं तो बगल वाले कमरे में आवाज जा रही है, तो बेटा वेव जो होता है ना कॉर्नर से मुड़ता है, ऐसा लोगों ने बोला। तो ऐसे जैसे मैंने बताया था कि एक रूम में लाइट जल रही हो, उसके बगल वाले रूम में लाइट ना जल रही हो, फिर भी इस रूम में अंधेरा मतलब उजाला हल्का हल्का दिखेगा, तो इसका मतलब लाइट भी कॉर्नर से बेंड हो रही है, ऐसा लोगों का कहना था। तो आइंस्टीन जो ये लोग थे जो वेव थियरी को सपोर्ट करते थे, ये हमेशा न्यूटन के लोगों के साथ झगड़े में रहे। जैसे हाइगन थे, जैसे फोकाल्ट थे। न्यूटन एक बात बोल दिए थे कि वाटर के अंदर लाइट की स्पीड कम होती है। फोकाल्ट नामक एक व्यक्ति था जो एडी करंट का भी खोज किया था, वो प्रूफ कर दिया साइंटिफिकली कि लाइट की स्पीड पानी में कम होती है, और न्यूटन ने बोला था पानी में, सॉरी ज्यादा होती है, न्यूटन ने बोला था पानी में ज्यादा होती है, फोकाल्ट ने बोला कि पानी में लाइट की स्पीड कम होती है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया, तो न्यूटन को गलत कर दिया। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए जिससे न्यूटन गलत प्रूफ हो गया, लेकिन इन लोग का कुछ भी हो नहीं पाता था। क्यों नहीं हो पाता था बच्चों, ये लोग कहते थे कि लाइट वेव है, तो उस समय तक केवल एक वेव की खोज हुई थी, उस वेव का नाम है मैकेनिकल वेव। थोड़ा सा बताया होगा मैंने, मैकेनिकल वेव खोज हुई थी। तो मैकेनिकल वेव की खोज हुई थी तो ये लोग इसको मीडियम चाहिए, तो न्यूटन समर्थक ये कहते थे कि भाई हम मान लेंगे लाइट वेव है, लेकिन ये बता दो सन से अर्थ तक आई कैसे, क्योंकि सन से अर्थ तक तो ज्यादातर प्लेस वैक्यूम है, तो सन से अर्थ तक आई कैसे, बस ये बता दो, तो हम मान लेंगे कि लाइट क्या है, वेव है। तो वो लोग वापस मुंह लटका के चले जाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी थियरी दी। तो बच्चों जब अपनी थियरी आप देना शुरू करेंगे,
जो जो चीज न्यूटन एक्सप्लेन किया है वो आपको अपनी थियरी से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे आप कह रहे हो कि इनकी थियरी गलत है, मेरी थियरी सही है। तो न्यूटन ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ किया, न्यूटन ने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ किया, प्रिज्म का प्रूफ किया, तो सब कुछ आपको अपनी थियरी से प्रूफ करना होगा। तो आपकी थियरी में, न्यूटन की थियरी में रे तो हमें पता है कि एक लाइन है जो सोर्स से निकलता है, आपकी थियरी में रे क्या है? तो इन्होंने बताया कि हमारी थियरी में क्योंकि वेव से चल रही है, तो हमारी सारी थियरी वेव फ्रंट पे डिपेंड करेगी, वेव फ्रंट पे डिस्टरबेंस पे डिपेंड करेगी। तो रे क्या डिफाइन होगा? तो जो ऐसी लाइन जो वेव फ्रंट के पैरेलल परपेंडिकुलर जाए उसे हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? अभी अपने डेफिनेशन बना रहे हैं जिससे न्यूटन की चीजों को एक्सप्लेन किया जा सके। ये अपने डेफिनेशन बना रहे हैं जिससे न्यूटन की चीजों को एक्सप्लेन किया जा सके। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो रे का डेफिनेशन है यहां से इन्होंने दे दिया। अब इसका देखो, कुछ समय बाद आप लोग पाएंगे कि एक साइंटिस्ट आएंगे जिससे ये लोग न्यूटन का तख्ता पलट कर देंगे। तख्ता पलट मतलब न्यूटन को पूरी तरह से गलत साबित कर देंगे। न्यूटन बोल रहे थे रे है, हाँ, और ये लोग बोल रहे थे वेव है। तो बच्चों अभी तक क्या था कि डायलेमा वाली सिचुएशन थी, झगड़ा चल रहा था लेकिन बहुत सारी चीजों पर क्लियरेंस नहीं था। तब तक ईएम वेव का खोज हो गया। ईएम वेव का खोज होने के बाद एक साइंटिस्ट थे थॉमस यंग, उन्होंने कुछ डिस्कवरी किया। उसके बाद एक कंफर्म हो गया कि लाइट क्या है? वेव है। तो फिर अभी वही उसी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जिससे लाइट को वेव प्रूफ करें। तो अब लिखो बच्चों, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। पहला लिखो स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखो बच्चों, इट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय द पॉइंट सोर्स, इट इज फॉर्म्ड बाय द पॉइंट सोर्स, इट इज फॉर्म्ड बाय द पॉइंट सोर्स, इट इज फॉर्म्ड बाय द पॉइंट सोर्स। देखो तो जैसे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट लाइट मतलब जैसे एलईडी है, छोटा सा एलईडी ऐसे चल रहा है। तो बच्चों अब इसको पानी में पत्थर की तरह सोचो, तो पानी चारों तरफ अपना डिस्टर्ब करते हो, अगर बीच में एकदम पत्थर है पानी के अंदर, तो हर तरफ स्फीयर बनाएगा ना। मतलब जैसे सरफेस पे फेंके आप तो सर्कल बनाया, क्योंकि ऊपर नीचे तो जा ही नहीं सकता था। अब पानी के अंदर अगर ऐसा कोई डिस्टर्बेंस होगा, जैसे कि भूकंप आ जाए, तो भूकंप चारों तरफ ऐसे बढ़ेगा आगे। 3D में, 3D में फील करो इसको, भूकंप चारों तरफ आगे बढ़ेगा ना, ऊपर भी, दाएं भी, बाएं भी, नीचे भी, तो ऐसे स्फीयर बनते जाएंगे। तो ऐसे अगर पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स का कैसा होता है वेव फ्रंट? स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल कैसे बच्चों? तो अब 2D में तो 3D बना नहीं सकते, लेकिन आपको फील करना होगा कि ये स्फीयर्स है। ये क्या है? स्फीयर्स है, ठीक है ना, ये स्फीयर। और बीच में इसके सेंटर पे एकदम कौन होगा? पॉइंट सोर्स होगा, इसके सेंटर पे सोर्स होगा, और ये सब क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। समझो है ना, ऐसे हर तरफ डिस्टरबेंस बढ़ता जाएगा। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट किससे क्रिएट होता है? पॉइंट सोर्स। ठीक है, अगला लिखो, दूसरा सिलिंड्रिकल, इसको बना लो थोड़ा सा, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये सब जितने हैं सब स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बेटा। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, इसके बारे में लिखो, इट इज फॉर्म्ड बाय द लीनियर सोर्स, it is formed by the linear source, it is formed by the linear source, it is formed by the linear source, it is formed by the linear source। ठीक है ना, ये linear source से बनता है। linear source जैसे मतलब ट्यूब लाइट हो गया तो अभी ये ग्लो कर रहा है, तो इसमें कैसा बनेगा? ऐसे सिलेंडर, सिलेंडर टाइप का वेव फ्रंट बनेगा, और ये सिलेंडर बढ़ता जाएगा आगे। फील करना है, ये सिलेंडर ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये भी ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, सिलेंडर बढ़ता जाएगा आगे, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। अगर ऊपर से देखोगे तो ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, लेकिन ये पूरा सिलेंडर है,
ये टॉप व्यू देखने पे ऐसा दिखेगा, समझ रहे हो ना, टॉप व्यू समझ रहे हो ना। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कब होगा, ठीक है लिख लो इसको भी, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, हाँ बना लो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ऐसे रफ सा डायग्राम बना लो, ऐसा कुछ हो, ऐसा नहीं है। ये लीनियर सोर्स है, क्या बेटा? नहीं, वो फील करो ना, ऐसा ही डायग्राम है, ऐसा ही डायग्राम है, लेकिन ऊपर से देखने पे। अब कैसे बनाऊं मैं 3D में, ज्वाइन नहीं है, समझ रहे हो मत ना। ऐसे ऊपर गया, वो ज्वाइन नहीं है, ठीक है सीधा ऊपर गया, ठीक। अगला देखो बच्चों, अगला लिखो प्लेनर वेव फ्रंट, ए तुम क्यों नहीं लिख रहे हो, प्लेनर वेव फ्रंट, लिखो प्लेनर वेव फ्रंट के बारे में बच्चों। व्हेन स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल, व्हेन स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस दे बिहेव एज प्लेनर वेव फ्रंट, दे बिहेव एज प्लेनर वेव फ्रंट, they behave as planar wavefront, ठीक है। Travel large distance, they behave as planar wavefront। सुनो बच्चों, जैसे एक पॉइंट सोर्स ले लो, फील करना इस बात को, और ये रेडियस में बढ़ाता, ये रेडियस बढ़ता जा रहा है, तो बच्चों इसके छोटे से हिस्से को देखोगे तो प्लेन दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसे पृथ्वी कैसी है, गोल है, लेकिन अभी तुम देख रहे हो पृथ्वी कैसी दिख रही है, चपटी, क्यों चपटी दिख रही है, क्योंकि रेडियस क्या हो गया है, बहुत ज्यादा। तो रेडियस अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो छोटे से टुकड़े को देखोगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा, प्लेन। तो इसका प्लेनर वेव फ्रंट किसी से प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन जब दूर से सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल वेव फ्रंट आता है तो उससे छोटे से हिस्से को देखने पर कैसा हमें फील होता है, प्लेनर वेव फ्रंट, समझ आ रहा है, क्लियर। इसे बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ समझ लेना, बस ये समझने की बात है कि प्लेनर वेव फ्रंट कब दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। अगला लिखो बच्चों, लिखो इंटरैक्शन ऑफ प्लेनर वेव फ्रंट, हेडिंग इंटरैक्शन ऑफ प्लेनर वेव फ्रंट with different optical instrument, interaction of planar wavefront with different optical instrument, ठीक है बच्चों, with different optical instrument, ठीक है। अब planar wavefront अलग अलग instrument पे जाएगा तो क्या होगा, तो कोई एक नंबर में drawing बनाने को आता है, ठीक है बच्चों, तो इसीलिए इसको ध्यान देना। तो पहला लिखो कॉनकेव मिरर, इसी में अलग अलग
मतलब प्लेनर वेव फ्रंट अगर कॉनकेव मिरर पे गिरेगी तो क्या होगा, ये हमें देखना है। फिर हम देखें कॉन्वेक्स पे गिरेगी तो क्या होगा। हाँ प्लेनर वेव फ्रंट प्लेन मिरर पे भी देख सकते हो, लेकिन वो पार्ट नहीं है। प्लेन मिरर में प्लेन जाएगी प्लेन आएगी, तो इसीलिए उसको तो कोई बात ही नहीं है, जहां कुछ बदलेगा वहां देखा जाएगा ना। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर की बात करते हैं बच्चों की। देखो ये सब सीखोगे नहीं तो कैसे फिर इसका वेव ऑप्टिक्स समझना मुश्किल है, इसलिए बेसिक्स है ये सब वेव ऑप्टिक्स का, क्योंकि आप वेव की बात हो रही, तो वेव की बात होगी तो बेसिकली वेव फ्रंट की बात होगी। तो देखो बच्चों प्लेनर वेव फ्रंट है, तो प्लेनर वेव फ्रंट कैसे होगा, ऐसे होगा, फील करने की बात है। प्लेनर वेव फ्रंट ऐसे ऐसे आगे बढ़ता हुआ इसके पास आएगा, अरे प्लेन है ऐसे बढ़ता हुआ इसके पास आएगा। इसके पास आने के बाद देखो तुम लोग चाहो तो रे डायग्राम पहले बना सकते हो, जिससे तुम्हें आइडिया रहे करना क्या है, क्योंकि इसमें भी रे डायग्राम अलाउ है, क्योंकि लेकिन यहाँ रे का मतलब है कि जो परपेंडिकुलर हो वेव फ्रंट, तो यार रे ऐसे जाएगी टकराने के बाद वहीं ऐसे बाहर की, अरे जानबूझ के ड्राइंग वहीं बना लो, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है, ऐसे आएगी। तो देखो ये प्लेनर वेव फ्रंट है, प्लेनर वेव फ्रंट ये सब है, ये ऐसे आके इससे टकराए टकराए टकराए, टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद ये वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, तो देखो ऐसे बनेंगे वाईफाई के जैसा, फील कर पा रहे हो। वाईफाई के जैसा, अब इसको देखो लॉजिकली भी समझ सकते हो कि जो पहले टकराएगा वो पहले आएगा, तो पहले ये वाला टकरा रहा है ना, तो ये तो आगे बढ़ जाएगा, ये सबसे लेट टकरा रहा है तो ये पीछे रह जाएगा, तो इसीलिए मुड़ता जाएगा ऐसे और मुड़ के ऐसा बनेगा। और देखो तुम्हें कभी भी जज करना हो तो सोचो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो बच्चों इसमें मैं ऐसे ही बनाऊंगा तभी तो परपेंडिकुलर होगा, ऐसे बनाऊंगा तभी तो ये परपेंडिकुलर होगा, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, तो सरफेस ऐसे ही बनेगा। अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कि अगर ऐसे रे टकरा रही तो मैं ऐसे सरफेस बनाऊंगा, तो बताओ ये कभी परपेंडिकुलर होंगे नहीं, चॉइस ही ऐसे कि ऐसे बनाओगे तभी परपेंडिकुलर होंगे। तो कोई डाउट नहीं, रे डायग्राम जिसको आता है जैसे बोलेगा डायरेक्ट एक नंबर में क्वेश्चन बोलेगा कि ड्रॉ द रे डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम व्हेन ए प्लेन वेव फ्रंट इज इंटरेक्टिंग विद कॉनकेव मिरर, तो ये डायग्राम बना देना। आपके सिलेबस में केवल प्लेन वेव फ्रंट है, उसे परेशान तो होना नहीं कुछ, प्लेन वेव फ्रंट का कॉनकेव मिरर ड्रॉइंग ड्रॉइंग है, इसमें बना लो ऐसे वाईफाई बना लो। रेन हैज इंटरप्टेड द प्ले, बच्चों बेटा होगा नहीं तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलेगा ही नहीं, अगर मैं बराबर ही करते चले जाऊं तो मिलेगा ही नहीं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसको समाप्त भी तो होना है, इसीलिए छोटा कर रहा हूं बार बार।
इसका कर्व कम नहीं करोगे बेटा तो परपेंडिकुलर बन ही नहीं पाएगा, कर्व आपको कम करना ही पड़ेगा, बाद में रेडियस कम करना पड़ेगा, नहीं तो परपेंडिकुलर बनेगा ही। डन बच्चों? चलो दूसरा लिखो, कॉन्वेक्स मिरर। खुद बनाओगे? दूसरा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये वेव फ्रंट ऐसे ऐसे आ रही हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका रे कैसे बनेगा बच्चों? तो पहले रे ही बना लो। रे हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है, तो देखो ये ब्लैक कलर से रे बना रहा हूं, तो टकराने के बाद ये क्या करेगी? फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई पड़ेगी। फोकस से डाइवर्स होती हुई दिखाई पड़ेगी ना। तो तुम लोग खुद दिमाग लगाओ मैं कैसा बनाऊंगा अब वेव फ्रंट, जैसे ये वाली रे जो है वैसा है। कैसा वेव फ्रंट बनाऊं? देखो दो ही चॉइस है, या तो ऐसे बनाऊं या तो ऐसे बनाऊं, मतलब ये ए या बी, बी वाला बना दो, क्योंकि रे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है ना? तो बस बी वाला बनेगा, तो ऐसे बनेगा वेव फ्रंट। हाँ, अरे रे आगे बढ़ रही है ना आपकी बात, और रे पीछे जा ही नहीं सकती, और ऐसे ही परपेंडिकुलर पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल है ही नहीं। बनाना है बना लो, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा वो तो 90 होगा ही, नहीं होगा तो फिजिक्स गलत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बना लिए? तीसरा लिखो, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बच्चों बताओ कैसा बनेगा? इसके बाद बनाना है, ऐसे बनाऊं या ऐसे, ऐसे बनाऊं या ऐसे, ए या बी? बी आएगा। वाईफाई के जैसा छोटा कर दे जाना।
आगे चले बच्चों, लोग कॉनकेव लेंस, चौथा है कैसा बनेगा? डायरेक्ट एक नंबर में आता है डायग्राम बनाना। नहीं अब क्या, आप खत्म हो गए, आप क्या बच गए? पेपर में एक का पूछेगा, एक का पूछेगा, चाहे कॉनकेव का पूछ ले, कॉन्वेक्स का पूछ ले, किसी एक का पूछ ले, आपको एक का बनाना होगा, सबका नहीं। हम लोग पढ़ सबका रहे, क्योंकि पढ़ना तो हमें सबका है, बाकी बनाना आपको सिर्फ एक का है। ठीक हो, चौगे चले। एक लास्ट होता है प्रिज्म से, पांचवा नंबर डाल दो प्रिज्म। हाँ प्रिज्म, प्रिज्म एक लास्ट, पांच नंबर प्रिज्म से। है सोना ये सारी धरती को चलाता क्या? तो उसको सही लग रहा है, प्रिज्म का बहुत बार आया है, सबसे ज्यादा बार प्रिज्म का आया है। वो सही कह रहा है, सबसे ज्यादा बार प्रिज्म का आया है। वाह कार्तिक वाह। दिमाग लगा दे तुम लोग, बायो सस्ते में ले रहे, बता बायो है तुम लोग, बस मुड़ जाएगी रे, कुछ नहीं हो। हाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन दो बार मोड़ना है, यहां मोड़ देना हल्का सा और यहां मोड़ देना हल्का सा। नहीं, वाईफाई वाला तब बनता ना जब एक जगह कन्वर्ज या एक जगह से फैलती, ये तो सीधे आ रही है, सीधे ही चली जा रही है। इसका भी प्लेन वेव फ्रंट ही बनेगा, बस थोड़ा तिरछा हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट ही होगा। हाँ बारिश हो रही है। ठीक है बच्चों,
हो गया। चलो आगे लिखो, हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल हेडिंग, हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस प्रिंसिपल बच्चों लिखो। इट डिस्क्राइब ए मेथड, इट डिस्क्राइब ए मेथड, इट डिस्क्राइब ए मेथड, इट डिस्क्राइब ए मेथड टू ड्रॉ द शेप एंड, टू ड्रॉ द शेप, शेप एंड साइज ऑफ ए वेव फ्रंट, ऑफ ए वेव फ्रंट आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ ए वेव फ्रंट आफ्टर सर्टेन टाइम विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ गिवन वेव फ्रंट, 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 ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गिवन वेव फ्रंट, विद द हेल्प ऑफ गिवन वेव फ्रंट। समझो बच्चों ये क्या बोला हाइगन ने, क्या बोला हाइगन ने, बोला कि अगर मान लो किसी भी टाइम टी बराबर जीरो पर आपको ये एक वेव फ्रंट पता है, जैसे ये वेव फ्रंट पता है, तो इसके टी बराबर टी सेकेंड बाद जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, उसका साइज क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, इसको बताने की टेक्निक किसने बताई, हाइगन, कि अगर आपको किसी भी टाइम पे एक वेव फ्रंट दिया हुआ है तो उसके टी टाइम बाद जो वेव फ्रंट बनेगा उसका शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, इसको किसने बताया, हाइगन ने बताया। समझ आ रहा है कि नहीं, शेप और साइज, तो इसी हाइगन प्रिंसिपल, ये तो एकदम लेमेन टर्म में समझो, नहीं तो फिर रटने में मुश्किल हो जाता है। हाइगन देखो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखवाया कि ये बताता है कि किसी और वेव फ्रंट को टी टाइम बाद एक वेव फ्रंट बनाना बताता है विद द हेल्प ऑफ ए गिवन वेव फ्रंट, मतलब एक वेव फ्रंट दिया हुआ है तो उसकी मदद से टी टाइम बाद एक वेव फ्रंट बनाना ये बताता है। बस टी टाइम बाद यानी मैंने लिखवा दिया आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल, पढ़ लो एक बार, देख लो यही बात लिखवाया ना मैंने, तो देखो रटना नहीं है, मैं बात बता दे रहा हूं एकदम एग्जाम में अपने टर्म अपने लैंग्वेज में लिखना, बस कि टी टाइम पे टी बराबर एक टाइम पे दिया हुआ है तो उसके उसके कुछ समय बाद वेव फ्रंट का क्या शेप और साइज होगा उसको कौन बताता है, हाइगन, अपने वर्ड में याद रखो इसको, नहीं तो ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। अगला लिखो इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, अब नीचे एक लाइन छोड़ के लिखो इट स्टेट्स दैट, दो पॉइंट लिखो इसमें, फर्स्ट लिखो जो एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट बिहेव एज, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट बिहेव एज, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट बिहेव एज सेकेंडरी, बिहेव एज सेकेंडरी सोर्स, बिहेव एज सेकेंडरी सोर्स विच प्रोड्यूसेस, विच प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेवलेट्स, विच प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेवलेट्स, वेवलेट्स वी डब्ल्यू ए वी ई एल ई टी एस, विच प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेवलेट्स, बच्चे ब्रैकेट में लिख देना बेबी वेव, हाँ अपनी समझने के लिए एग्जाम में मत लिख देना बेबी वेव, ठीक है ना, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है ना, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट लिखो, सुनो अब एक बार समझ लो पहले इसको, देखो इधर समझ लो बच्चों, जैसे मान लो एक वेव फ्रंट है, ड्राइंग बाद में बनाना इसमें मत बनाना,
ड्राइंग एक ही बार दोनों का बनाना, ठीक है ना। बस समझने के लिए मैं एक ही बार, क्योंकि मुझे लिखना नहीं। जैसे ये वेव फ्रंट है, तो हाइगन ने ये बोला कि टी बराबर जीरो पे वेव फ्रंट है। तो हाइगन ने ये कहा कि इस पे जो कोई भी एक पॉइंट है वो एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, उसको बोलेंगे सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं भाई, प्राइमरी सोर्स तो कोई ओरिजिनल वाला होगा, अब दूसरी बार सोर्स है तो सेकेंडरी ही कहेंगे। हर पॉइंट करेगा, लेकिन बनाने के लिए मैं थोड़ा अच्छा रहेगा इसलिए मैं दूर दूर बना रहा हूँ, बाकी हर पॉइंट वैसा ही बिहेव करेगा। तो बच्चों ये क्या करेगा, अपना बेबी वेव प्रोड्यूस करेगा, ये अपना क्या करेगा, बेबी वेव प्रोड्यूस करेगा, ये सब अपना बेबी वेव प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। ये भी अपना वेव ऐसे बनाएंगे, ये भी अपना वेव बनाएंगे, ये भी अपना, तो इसी को हम लोग क्या बोले, सेकेंडरी वेवलेट्स। इनको क्या बोला हमने, सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स, इनको मतलब समझने के लिए बेबी वेव। अब हाइगन ने दूसरे पॉइंट में क्या कहा, अच्छा लिखो अगले पॉइंट में, लिखो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे लिखो, द कॉमन टेंजेंट, द कॉमन टेंजेंट ड्रॉन एट, द कॉमन टेंजेंट ड्रॉन एट, द कॉमन टेंजेंट ड्रॉन एट दीज सेकेंडरी वेवलेट्स, द कॉमन टेंजेंट ड्रॉन एट दीज सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स विल गिव, विल गिव द वेव फ्रंट, विल गिव द वेव फ्रंट आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर सर्टेन टाइम। देखो बच्चों फिर नहीं रटना है, समझ में आ रहा है ना। देखो इसको रटवाते हैं टीचर, बच्चे को कभी याद नहीं रहता, इसलिए मैं बहुत तुम्हें प्रेम से समझा रहा हूँ, कोई भी बात बता रहा हूँ। अभी तक देखो रटने वाली बात तो नहीं है कहीं, देख लो, और कहीं रटने वाली बात है तो बता दो। अपने लैंग्वेज में लिखना, लैंग्वेज इंग्लिश कुछ भी टूटी फूटी लिखना, बात क्या कहना है वो याद रखना। हाइगन का कहना था, हाइगन ने वेव फ्रंट वगैरह के बारे में पहले ही बता दिया। हाइगन का कहना है कि एक वेव फ्रंट दिया है तो टी टाइम बाद वेव फ्रंट का शेप साइज क्या होगा वो बताने का काम हाइगन प्रिंसिपल करते हैं। तो डेफिनेशन हो गया। पहले लॉ में अपने क्या कहते हैं, पहले फर्स्ट प्रिंसिपल में, कि कोई भी अगर वेव फ्रंट का पॉइंट है वो एक सेकेंड, एक बेबी वेव जनरेट करेगा, वो एक सोर्स की तरह काम करेगा, सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा, और वो सेकेंडरी सोर्स क्या करेगा, वेवलेट्स प्रोड्यूस करेगा, बेबी वेव प्रोड्यूस करेगा। अब अपने दूसरे पॉइंट में क्या कहते हैं बच्चों, कि जैसे मान लो टी बराबर टी टाइम बाद मुझे क्या करना है, वेव फ्रंट निकालना है। ये जो सेकेंडरी वेवलेट है इसका रेडियस जो होगा बच्चों, वो रेडियस होगा कितना होगा, तो मान लो स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में c है, तो इसका वेवलेट, इसका जो रेडियस होगा होगा c इंटू टी, रेडियस कितना होगा c इंटू टी, रेडियस कितना होगा c इंटू टी, समझ रहे हो क्यों, क्यों, अरे ये बेबी वेव छोटा सा बना, फिर इसका साइज बढ़ता जाएगा, कुछ समय बाद देखोगे साइज बढ़ जाएगा, कुछ समय बाद देखोगे साइज बढ़ जाएगा, तो मुझे कितने टाइम बाद निकालना है, टी टाइम बाद ना। तो बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो ये वेव चारों तरफ किस स्पीड से फैल रहा है, वेव की स्पीड से या लाइट की स्पीड से, अभी मान लो तो टी टाइम में कितना फैलेगा, मान लो टी टाइम बाद मुझे ड्रॉ करना है तो टी टाइम बाद कितना फैलेगा, तो सी इंटू टी फैलेगा, तो वही इसका रेडियस हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। अगर तुम कम टाइम लोगे तो छोटा वेवलेट्स बनेगा, तुम ज्यादा टाइम लोगे तो बड़ा वेवलेट्स बनेगा, और टाइम ज्यादा लोगे तो और बड़ा वेवलेट्स बनेगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब इन्होंने क्या बोला कि टी टाइम बाद आपको चाहिए तो सी इंटू टी उस वेवलेट्स का रेडियस होगा। अब इस पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दो बच्चों, तो ये क्या होगा, टी बराबर टी पे आपका वेव फ्रंट होगा, बस हो गया, ये इनकी थियरी है। ये टी बराबर टी पे क्या होगा, वेव फ्रंट होगा, हो गया। पहले पॉइंट में क्या बोला, हर वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा और वो एक बेबी वेव प्रोड्यूस करेगा जिसको वेवलेट्स कहा। उस वेवलेट्स पे कॉमन, दूसरे पॉइंट में कहा कि उस पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वही सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा, खत्म काम। हाँ, ये दोनों की ड्राइंग है, इंक्लूडेड इंक्लूडेड बच्चों। ये वेवलेट्स बनाए हो तो पहला वाला पॉइंट है,
अब टेंजेंट खींचा हो तो दूसरा वाला पॉइंट है जो रेड कलर से, तो ये फर्स्ट और सेकंड का इंक्लूडेड है, ये अलग से ड्राइंग नहीं है। हो गया ठीक हो? चलो आगे लिखो, हाइगेंस प्रिंसिपल लिख लो, बना लो बना लो, आराम से लिखो। अब इसके बाद हम लोग एक देखो, हाइगेंस प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इतना मान के चलना। या तो करते करते इधर या तो डेफिनेशन आएगा ये बताने को आएगा, या तो आगे जो कराने वाला उसमें उन तीन चीज में से एक चीज जरूर आएगा। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों। तो देखो, अब हाइगेंस प्रिंसिपल से हमको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो हेडिंग डालो प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल, बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का प्रूफ करना है बाय हाइगेंस प्रिंसिपल, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। चलो बच्चों, बेसिकली आपको साइन आई बाई पता है ना, आपको साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन टू वन, यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना, यहां पे ही हम लोग को प्रूफ करना है। हाँ, लेकिन आपकी बात भाई न्यूटन की बात अगर सही है तो न्यूटन ने तो उसको प्रूफ किया है, आप भी अपने प्रिंसिपल से इसको प्रूफ करके दिखाइए। हाइगन को बोला, हाइगन ने बोला ठीक है करता हूँ, घबराते क्यों होने को। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में काफी प्रोबेबल है, इन तीन में से एक ने एक तो आएगा ही आएगा, ऐसा हुआ ही नहीं कि ना आए, एक ने एक तो आएगा। जैसे मान लो बच्चे नीचे कोई और मीडियम है और ऊपर कोई और मीडियम है, इसको N1 कह ले रहा हूं और इसको N2 कह ले रहा हूं। तो हाइगन ने कहा कि मान लो कोई वेव फ्रंट, पैरेलल वेव फ्रंट आ रहा है, पैरेलल वेव लाइट आ रहा है, कोई लाइट उन्होंने ऐसे माना कि ऐसे आ रहा है, कलर चेंज कर लेता हूं, इन्होंने माना बच्चों कि लाइट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इनको क्योंकि इनकी थियरी वेव फ्रंट की थी तो ये दो ले लिए और बताएं कि वेव फ्रंट ऐसे गिर रहा है। बच्चों ये वेव फ्रंट बताएंगे ना, इनको रे से क्या मतलब, ये तो वेव फ्रंट बताएंगे ना, तो उन्होंने बताया कि कोई रे ऐसे आ रही है, तो ये इंसिडेंट प्लेनर वेव फ्रंट है, इंसिडेंट इंसिडेंट प्लेनर इंसिडेंट प्लेनर वेव फ्रंट है, प्लेनर वेव फ्रंट है, इंसिडेंट प्लेनर वेव फ्रंट, ऐसा इन्होंने बताया कि इसके ऊपर गिर रहा है। तो बच्चों इसके ऊपर अगर लाइट ऐसे गिरेगी तो थोड़ा थोड़ा न्यूटन का मदद ले लेना, हमें झगड़ा थोड़ी है न्यूटन से, झगड़ा तो इनका था। तो बच्चों ये एंगल आई है तो ये ऐसे जाएगी, मुड़ेगी थोड़ी सी, ये ऐसे मुड़ेगी और ये भी ऐसे जाने के बाद मुड़ेगी, क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ यहां तक बच्चों। ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल आर होगा, ठीक है? अब यहीं पे गणित है, इसको समझना। तो बच्चों इन्होंने माना, एक वेब फ्रंट और बना ले रहा हूं ऐसे, इस वेब फ्रंट को ध्यान से देखो, जैसे इस वेब फ्रंट का नाम दे रहा हूं मैं एबी, एबी वेब फ्रंट का नाम दे रहा हूं मैं, तो ए वाला पॉइंट जस्ट मीडियम के पास पहुंच गया है और बी वाला पॉइंट अभी मीडियम से पीछे है, पीछे है ना बी वाला पॉइंट, वेव फ्रंट ऐसे आ रही है तो उसका बी वाला पॉइंट पीछे है। तो इन्होंने बोला कि मान लो ये बी वाला पॉइंट कितना पीछे है, टी पीछे है, मतलब टी टाइम पीछे है, मतलब इसके टकराने के टी टाइम बाद बी वाला पॉइंट टकरा रहा है, समझना ध्यान से।
जब ये वेव फ्रंट टकरा रही है, उसके टकराने के टी टाइम बाद ये वाला वेव फ्रंट इसे, ये वाले वेव फ्रंट का हिस्सा इससे टकरा रहा है। भाई पहले अगर तिरछा रहा है तो पहले ये टकराएगा फिर वो टकराएगा, ठीक है ना। तो बच्चों टी बराबर जीरो पर ऐसा सिनारियो है, टी बराबर जीरो पर ऐसा सिनारियो है, ये सिनारियो है टी बराबर जीरो, ऐसा सिनारियो है। उन्होंने ऐसा रेफरेंस ले लिया, तो उन्होंने बोला कि टी बराबर टी टाइम बाद क्या हुआ कि ये वाली वेव यहां पे पहुंच गई, इसका नाम मैं सी दे रहा हूं, पहुंच गई। तो जब ये वाली वेव यहां पहुंची होगी तब ये वाली वेव ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस इसके अंदर चल चुकी होगी, फील करने की बात है। जब ये यहां पहुंचेगी तो ये वाली कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल कर चुकी होगी ना, पक्का ना। तो बच्चों मान लो इन्होंने बोला कि ये वाली जस्ट यहां पहुंची है और ये तब तक कुछ ट्रेवल कर चुकी थी, तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसे बनेगा। तो रे अभी जस्ट निकलने वाली है भाई, टकराने के बाद यहां भी तो निकलेगी कि नहीं निकलेगी, और ये वाली निकल चुकी है, तो टी टाइम बाद ये यहां टकराया और टी टाइम बाद जो वेव फ्रंट बनेगा वो ये बनेगा दूसरे मीडियम के अंदर। देखो घबरा मत, लॉजिकली सोचेंगे सिचुएशन क्या है कि ये टी टाइम बाद इससे टकराने वाला है। तो जब टी टाइम बाद ये इससे टकरा गया टी बराबर टी पर ये इससे टकरा गया, तो उसको टी टाइम चलने के लिए इस मीडियम में मिल गया कि नहीं मिल गया, ये बताओ पहले। जब ये टी टाइम बाद इससे टकराया तो ये तो ऑलरेडी उस समय था ही टकराया हुआ, तो जब ये यहां पे पहुंचा उसको टी टाइम लगा, तो टी टाइम वो इस मीडियम में चल चुकी थी, रे इस मीडियम में टी टाइम चल चुकी होगी। तो बच्चों ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये बी से लेकर सी का डिस्टेंस कितना होगा, वी वन इंटू टी, कितना डिस्टेंस होगा, क्यों उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, वी वन, और टी टाइम बाद टकरा रहा है, तो इसका मतलब वो पीछे कितना है, वी वन इंटू टी। अरे सोच के ऐसे सोच लो, कोई जल्दी नहीं है, हमको आराम से सोच लो बेटा। जब ये टी टाइम टकरा रहा है तो टी टाइम बाद टकरा रहा है तो ये कितना पीछे होगा, वी वन इंटू टी पीछे होगा, क्योंकि उस मीडियम में लाइट की स्पीड वी वन है, ठीक है। तो अगर तुम वी वन की स्पीड से चल रहे हो, टी टाइम बाद कहीं टकरा रहे हो, तो अभी कितना पीछे हो, वी वन इंटू टी पीछे हो। बच्चों ये टी टाइम तक इस मीडियम में चल चुका है, जब ये टकराया तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, वी टू इंटू टी। जब ये टकराया तब वो टी टाइम के लिए इसमें चल चुका था ना, क्योंकि तो जब वो यहां था तब वो ऑलरेडी यहां टकराने वाला था, तो जब ये टी टाइम बाद टकराया तो टी टाइम तक ये ऑलरेडी मीडियम के अंदर चल गया था, तो मीडियम के अंदर ये कितना चला होगा, v2 into t। उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v2 है, स्पीड ऑफ लाइट बदल जाएगी ना, जैसे पानी है तो बदल जाएगी, तो v2 into t हुआ। बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो, यहां सब मटर यहां तक सेटल करो पहले, बात समझ में आ रहा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, लेकिन एक बार बढ़िया से खूब समझ लो, क्लियर। अब देखो बेटा थोड़ा सा गणित, ये एंगल आई है तो वेव फ्रंट और रे के बीच में एंगल कितना होता है, 90। तो बेटा ये वाला एंगल 90 माइनस आई होगा, पक्का। तो बेटा ये एंगल 90 माइनस अगर आई है तो नॉर्मल और इसके बीच में एंगल कितना होगा, 90। तो ये वाला एंगल आई होगा क्या, फील कर लेना। ये अगर आई है, मैं देखो क्यों बता रहा हूं, तुम भी ऐसे सीखो, क्योंकि तुम रट्टा के भरोसे मत रहो, अपने आप सोचो आई कौन सा एंगल होगा। तो ये आई है तो ये वेव फ्रंट रे से नॉर्मल होता है, तो ये 90 माइनस आई होगा, और ये नॉर्मल और ये एक दूसरे के 90 होते हैं, तो अगर ये 90 माइनस आई है तो ये क्या होगा, आई होगा। रट्टा नहीं, समझ के ऐसे छोड़ दो दिमाग में नहीं तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है लाइफ में, बुक लेके पढ़ाना हो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीवन। अब देखो बेटा यहां भी कुछ करेंगे हम, तो ये एंगल आर है तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, 90 माइनस आर, फील करो। ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस आर, पक्का ना। और बच्चों ये वाला एंगल 90 है, 90 क्यों है, तो वेव फ्रंट और रे 90 डिग्री में, तो ये 90 माइनस आर है और ये 90 है, तो ये कितना होगा सोचो। ये एंगल 90 माइनस आर है, ये 90 है, तो ये कितना होगा,
अरे गधे हो क्या? कितना होगा? तो करो माइनस, करते को कर लेने दो। अरे ये 90 माइनस है तो 180 माइनस, इतना तो आ जाना चाहिए, कोई बात नहीं देख लो इसे। 180 माइनस 90 माइनस आर प्लस 90, आर बचा, मतलब ये तो ऐसे छोटी छोटी बातें हो जाना चाहिए आपसे। आर बचाने बच्चों, तो ये वाला एंगल कितना होगा? बस काम हो गया, जिसको ये ड्राइंग समझ में आ गया उसका डेरिवेशन हो गया, ये ड्राइंग ही सब कुछ है। अब डेरिवेशन देख लो, अब एक लाइन का है, देखो इधर ध्यान से, यहां से साइन आई निकालो, साइन आई तो ये 90 होगा, साइन आई फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लू साइन आई निकालने के लिए, एबीसी, तो साइन आई बताओ किसके इक्वल होगा, साइन आई विल बी इक्वल टू वी वन टी अपॉन 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ, एसी। फिर बताओ साइन आर निकालना है, कौन सा ट्रायंगल, इसका नाम दे दो डी, एडीसी, ठीक है, बताओ साइन आर किसके इक्वल होगा, वी टू टी बाई एसी, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, डिवाइड मार दो, साइन आई बाई साइन आर, एसी एसी कट गया, तो वी वन अपॉन, तो यही तो स्नेल्स लॉ है, वी वन अपॉन वी टू को क्या लिख सकते हो, एन टू अपॉन एन वन, तो यही क्या हो जाएगा, एन टू वन, खत्म हो गया, प्रूफ्ड, खत्म। आराम से बना लो, बोर्ड में तुम्हारे 3 नंबर पक्के। एक हाइगन का प्रिंसिपल पूछ लेगा डेफिनेशन में, और एक इनमें से एक ये और अगला जो बताएंगे वो, खत्म हो जाएगा काम पेपर का अपना, हम लोग काम थोड़ी खत्म करेंगे। बच्चों देखो, ये कर लेना फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू फॉर्मेलिटी,
कर लोगे ना फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, हाँ बस उसको कर लेना। हाँ डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड टू करके कर लेना। हो गया बच्चों, हो गया बच्चों डन। चलो एक और करते हैं हम लोग। लिखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। हाँ पहला रिफ्रैक्शन था, अब दूसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी जितना पढ़ाया उसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म है, मतलब तीन चीजों में से एक क्वेश्चन कंफर्म है, हाइगन प्रिंसिपल, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एक क्वेश्चन कंफर्म है 100% एकदम लॉक कर। देखो इसका ड्राइंग थोड़ा बड़ा बनाना है, ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, इसीलिए रिफ्लेक्शन पहले कराना चाहिए लेकिन बाद में कराया क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, थोड़ा सा बस ध्यान दे रहे। हालांकि अच्छे से समझोगे तो आ जाएगा, पिछला वाला समझ में आ गया था ना बढ़िया से, उसी के बेसिस पे अगला समझेंगे। देखो इधर ध्यान से,
रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गिर रहा है, थोड़ा बड़ा बनाना आपकी बात, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गिर रहा है, सॉरी इंसिडेंट रे, ठीक है, ऐसे गिर रहा है, तो बच्चों इसमें भी ड्राइंग वही बनाऊंगा पहली वाली, इधर ध्यान दो, फोकस, कुछ लिखो, पढ़ो मत तुम लोग, बच्चों इसमें भी पहली वाली ड्राइंग वही बनाऊंगा कि एक टकरा गया है और एक टी टाइम पीछे है, देखो समझ, उससे तुलना करके समझना, क्लियर होगा, ये ए है, ये बी है, ये टी बराबर जीरो का सिचुएशन है, समझ में आ रहा है, क्लियर, कोई दिक्कत? देखो इसमें एंगल विंगल में लफड़ा होता है, फिर बच्चों कुछ समय बाद क्या होगा, जैसे ये नॉर्मल में ड्रॉ कर ले रहा कुछ समय बाद क्या होगा, ये रे रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट होके ये रे, देखो कंफ्यूज नहीं होना, इधर ध्यान दो सब लोग, बच्चों ये रिफ्लेक्ट होके ये रे ऐसे जाएगी, हाँ प्लेन मिरर है, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी, जाएगी ना, तो देखो यहां ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, अब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ही तो प्रूफ करना है, तो बच्चों देखो अब ये टी बराबर जीरो, टी बराबर टी पे क्या होगा, टी बराबर टी पे क्या होगा, ये बी वाला सी पे पहुंच गया, उसी तरह से तुलना करना, कोई अब एकदम ध्यान देना एकदम पूरा, बी वाला सी पे आ जाएगा, तब तक ए वाला इस मीडियम में कुछ डिस्टेंस चल चुका होगा, तो ये वाला मीडियम में किधर डिस्टेंस चलेगा, इधर चलेगा, आपकी बात इधर चलेगा, तो मान लो इस मीडियम में ये अभी कितना पीछे होगा इससे, इससे पीछे होगा v इंटू टी, कितना पीछे होगा v इंटू टी, तो जब ये टकराएगा उसके बाद, टकराने के बाद जब ये सी टकर बी टकराया, यानी ये वाला पॉइंट जब यहां पहुंचा, तो ये टकराने के बाद टी टाइम के लिए इस मीडियम में चल चुकी होगी, तो मान लो टकराने के बाद टी टाइम के बाद इस मीडियम में यहां पहुंची ए, और इसको नाम दे रहा हूं डी, डी वाला पॉइंट वही नीचे वाला है, याद करो, तो बच्चों ए डी किसके इक्वल होगा, वी इंटू टी, अब वहां वी टू इंटू टी होता था, तो मीडियम बदल गया था, तो मीडियम बदल गया था तो स्पीड बदल गया था, यहां मीडियम तो नहीं बदला, तो लाइट की स्पीड तो सेम रहेगी, तो बच्चे ये वाला जो डिस्टेंस है, ए डी डिस्टेंस है, वो कितना होगा, वी इंटू टी, तो ये वेव फ्रंट ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, तो अब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा, तो देखो यहां से बात जस्ट रे निकलने वाली है, तो इधर निकलेगी और ये निकल चुकी है, तो दो रे के सहारे ड्रॉ करें, तो इसका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा, कलर चेंज करके बता दे रहा हूं, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा, तो ऐसा होगा, ये निकलने वाली है और ये निकल चुकी है, तो ऐसा होगा सीधी फील करना है, ये निकल चुकी है, ये निकलेगी ऐसे, तो वेव फ्रंट कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो बच्चों ए बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, सी डी क्या है, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, समझ में आ रहा है कि नहीं, बच्चों ए डी किसके इक्वल होगा, वी इंटू टी, बी सी किसके इक्वल होगा, वी इंटू टी, अब देखो इसमें वही काम करना है, अब क्या फिर से दिमाग लगाओ, तो ये एंगल आई है, तो ये वाला एंगल ध्यान से देखो इधर करती, ये वाला टोटल एंगल कितना होगा, ये ब्लैक वाले और लाल वाले में देखो, ये ब्लैक और रेड कलर के बीच में एंगल देखो कितना होगा, 90 माइनस आई, अगर ये एंगल आई है तो ब्लैक और रेड के बीच में एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई, ए रोशन गधा कहीं का, गधा कहीं का, इधर सुनो ध्यान से, अरे तुम्हें ड्राइंग हो समझ, पहले देखो ड्राइंग, पहले तुम लोग देखो, ठीक है ना, तो देखो ये एंगल आई है, तो रेड और ब्लैक, इस नॉर्मल और इस रेड लाइन के बीच में एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई, तो बेटा ये रे और ये जो लाइन है, वेव फ्रंट है, एक दूसरे के 90 पे होते हैं, तो ये आई, तो ये 90 माइनस आई, तो क्या ये वाला एंगल आई होगा, बिल्कुल पुराने वाले के जैसा, तो
तो पुराने वाले में ये वाला इमेज नीचे बनता था, तो ये वाला एंगल आर होगा, देखना चाहते हो देख लो, ये एंगल आर है तो ये 90 माइनस आर होगा, ये 90 होगा तो ये कितना होगा, आर होगा। ट्रायंगल एडीसी में देखो, ये एंगल आर है तो ये टोटल एंगल क्या होगा, 90 माइनस आर होगा, ये यहां से मतलब ब्लैक वाले में और इस वाले लाइन में देखो 90 माइनस आर होगा तो ये 90 होगा तो ये कितना होगा, आर होगा। सेम डायग्राम, साइन नहीं निकाल लो, कुछ नहीं है। अब कौन सा ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी, अरे साइन आई निकालना है भाई, एबीसी, एबीसी का कितना होगा तो वी इंटू टी अपॉन एसी, फ्रॉम ट्रायंगल एडीसी साइन आर इज इक्वल्स टू वी इंटू टी, तो वी इंटू टी साइन आर, ये देखो सामने, और ये एडी क्या है, वी इंटू टी अपॉन एसी, डिवाइड मार दो, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई इक्वल टू आर, समझ रहे हो बाकी बात तुम लोग, खत्म। आसान लेकिन रे डायग्राम आ जाए तब ना, रे डायग्राम आ जाए आसान। हाइगेंस प्रिंसिपल खत्म हो गया, पोलराइजेशन सिलेबस में ही नहीं है। अब बच क्या, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन। दो क्लास और लगेगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।
ठीक है, एक क्लास में यंग्स डबल स्लिट और एक क्लास में डिफ्रैक्शन, बस डिफ्रैक्शन, फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स शुरू हो जाएगा, ड्यूअल नेचर, फिर ऐसे, फिर जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। मतलब हमारा ऐसा टारगेट है कि अक्टूबर तक, दिवाली पहले तक मैं आखिरी कुछ चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिरी कुछ चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं, सेमीकंडक्टर वगैरह, तो उसके बाद आ जाओ रिवीजन, ठीक है, न्यूमेरिकल और रिवीजन। जिस भी चैप्टर में जैसे न्यूमेरिकल कम कराया है, जैसे रे ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल नहीं कराया है, तो उसका न्यूमेरिकल करा दूंगा और रिवीजन करा दूंगा। हाँ, इससे क्या होगा कि आपका प्री बोर्ड के लिए आप एकदम फ्री हो जाएंगे ना मेंटली। हाँ, एकदम प्री बोर्ड के लिए फ्री रहेंगे। हाँ, गया तो बस रहने दो आज के लिए।